सो आज का बेटा हमारे पास टॉपिक रहने वाला है कॉलन कायमा का, कि कॉलन कायमा क्या होता है। कॉलन कायमा जो है ये सेकेंड टाइप है हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू की। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉलन कायमा। कह रहे हैं आपने कभी प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देखी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब पता है आपको, मतलब जैसे कि जो फ्लेक्सिबल होता है, जो किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाता है इजिली। तो देखो आपने कई बार देखा होगा, जैसे ये, जैसे मान लो ये ट्री है, इसकी ब्रांच है एक, ठीक है, इसकी ब्रांच है, आप उस ब्रांच को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ब्रांच को हम शाखा बोलते हैं हिंदी में, मतलब कि या टहनी भी बोलते हैं। तो मान लो आप इसकी टहनी या ब्रांच आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप करके देख लेना, इतना इजिली टूटेगी नहीं ये फ्लेक्सिबल होती है। आप इसको खींचोगे ना नीचे, तो ये नीचे चली जाएगी, पर ये टूटेगी नहीं, और आप जैसे छोड़ोगे ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। तो इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत बारी ना इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तब जाके इनमें थोड़ा सा जो है ना मतलब ये ब्रेक होना चालू होगी, और फिर फाइनली कुछ टाइम के बाद जाके ये टूट जाएगी। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी इस प्लांट को मिल रही है, ये किसकी वजह से मिल रही है, ये मिल रही है परमानेंट टिश्यू की वजह से। और परमानेंट टिश्यू का कौन से वाला टाइप की बात कर रही है, कॉलन कायमा की। यानी कि अगर प्लांट फ्लेक्सिबल है बेटा, तो ये किसकी वजह से है, कॉलन कायमा की वजह से। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने कुछ प्लांट्स देखेंगे बेटा जो क्लाइंबर्स जिसको हम बोलते हैं, क्लाइंबर्स कभी आपने सुना होगा बेटा छोटे क्लास में, जैसे कि क्लाइंबर्स क्या करते हैं बेटा, जो भी इनके साइड में चीज होती है ना सॉलिड चीज, ये उनके साथ यस बेटा उनका सहारा ले लेते हैं और उनके साथ एक तरीके से लिपट के और फिर अपने आप को ग्रो करते रहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई क्लाइंबर है, मान लो, तो ये क्या करेगा, अपनी अपनी जो भी इसकी टेंडल्स बोलते हैं उसको, या स्टेम ले लो आप, तो ये स्टेम जा इस पोल के साथ लटका के ये इसी में इस तरीके से उलझ जाएगा, ठीक है, इसी के साथ ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इंटेंगल हो जाएगा। तो ये जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि ये कोई भी शेप में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा, ये हो रहा है कॉलन कायमा की वजह से। आगे क्या बोल रहा है बेटा, इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। तो कह रहे कि ये आपको कहां दिखने को मिलेगा, तो जैसे कि अगर आप कोई भी क्लाइंबर ले लो बेटा, जो उसकी स्टेम होती है या जो उसकी टेंड्रिल होती है, तो ये क्या करती है बेटा, ये बेंड हो जाती है और किसी के साथ भी क्या होती है बेटा, सपोर्ट ले लेती है उसके साथ, और फिर उसी के साथ इंटेंगल हो जाती है। इंटेंगल का मतलब होता है उलझ जाना या चिपक जाना, आप ऐसा भी मतलब इसको बोल सकते हो कि कुछ ऐसा ये कर लेती है। तो ये कैसे कर पाती है बेटा, क्योंकि इसके अंदर होता है एक परमानेंट टिश्यू एंड जिसका नाम होता है कॉलन कायमा, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है बेटा, सपोर्ट तो प्रोवाइड करा ही रहा है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। तो ये आपको और कहां मिल सकता है बेटा, तो जो लीफ होती है बेटा उसकी जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस का मतलब मैंने आपको बताया हुआ बेटा जो आउटर पार्ट होता है, तो उसके जस्ट नीचे भी ये आपको मिल सकता है, मतलब लीव्स के नीचे भी आपको ये मिल सकते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, ये लिविंग होते हैं, elongated यानी कि लंबे होते हैं, एंड irregular thickened at the corners, और कॉर्नर से ये irregular होते हैं। irregular मतलब कॉर्नर से जो इनकी शेप होती है ना वो फिक्स नहीं होती, कॉर्नर से इनकी शेप फिक्स नहीं होती है, अलग अलग शेप होती है इनकी कॉर्नर से। दिस इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और इनका इंटरसेलुलर स्पेस भी बहुत कम होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर का इसने फीचर बता दिया बेटा, स्ट्रक्चर कैसा है इसका, तो इसका स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर है कि एक तो लिविंग है, elongated है, elongated का मतलब आप कह सकते हो कि थोड़े लंबे लंबे होते हैं ये, irregular thickened होती है इनके corner से इनकी जो shape है वो fix नहीं होती है, वो regular नहीं होती है। regular का मतलब होता है सारी side से, सारी जगह से equal होना, ये नहीं होते सारी जगह से equal। जैसे आप इसको ऐसे मान लो कि ये ऐसे 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 कैसे भी इनकी corner से shape हो सकती है, ठीक है। और दिस इज वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस, और इनके बीच में स्पेस भी काफी कम होता है। तो इनकी फिगर को देखते हैं बेटा बुक में और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा दिखता है ये। सो देखो ये रहा, ये आपका कॉलन कायमा का हो गया, देखो ये रहा। सो इनकी जो शेप है ना, देखो कॉर्नर से हर हर जगह से अलग अलग है, ठीक है। कहीं से इनका एंगल ज्यादा है, कलर चेंज कर लेता हूं, देखो कहीं से इनका एंगल ज्यादा है, कहीं से एंगल कम है, कहीं से कैसा है, कहीं से कैसा है, सब जगह से अलग अलग है, ठीक है। हर जगह से इनकी शेप क्या अलग अलग है, आप देख पा रहे हो, सब सब उसकी शेप अलग अलग है, ठीक है। किसी की भी फिक्स शेप नहीं है, सब इरेगुलर है कॉर्नर से। और साथ साथ बात करें इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस की, तो आप देखोगे कि कोई स्पेस ही नहीं नजर आ रहा। जैसे ये देखो, ये एक मेरे पास हो गया, एक ये टिश्यू हो गया, एक ये हो गया, तो इनके बीच में आप स्पेस देखो कहां नजर आ रहा है, इनके बीच में स्पेस नहीं है, आपको स्पेस नहीं नजर आएगा, ठीक है। जबकि इनमें था, इनमें देखो ये रहा नजर, ये पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा में आपको इंटरसेलुलर स्पेस नजर आता है, लेकिन इनमें नहीं आ रहा, कॉलेनकाइमा में नहीं आएगा, क्योंकि वेरी लिटिल स्पेस होता है इनके बीच में, ठीक है। वेरी लिटिल स्पेस इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास कॉलन कायमा का डायग्राम हो गया।
इसके बारे में बेटा और इसके बारे में और तो कोई बात यहां पे है नहीं, फिर स्क्लेरेन काइमा के बारे में है। तो येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट इशू इज स्क्लेरेन काइमा। एक और टाइप का बेटा हमारे पास परमानेंट इशू है और वो है स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, तो तीसरा हो गया बेटा ये। पहला हमने पढ़ लिया था पेरेन्काइमा जो कि लास्ट क्लास में पढ़ा था, सेकेंड हमने पढ़ा कॉलेन्काइमा जो कि आज के बिगनिंग में पढ़ लिया, और अब हम पढ़ रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा। कह रहे इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। आपने देखो कि जो बेटा प्लांट होता है ना वो काफी हार्ड और स्टिफ होता है, मतलब जैसे मान लो एक ट्री है तो ये कितना हार्ड होता है, ये एक ही जगह पे खड़ा रहता है। ठीक है, कितनी आंधी तूफान भी आ जाए ये तब भी नहीं हिलता, काफी हार्ड होता है। और मान लो अगर आप इसको पंच करो या इसको फाड़ने की कोशिश करो, जैसे पेपर है, पेपर को अगर आप टियर करते हो तो वो इजिली फट जाता है, तो क्या आप पेड़ को फाड़ने की कोशिश करोगे तो क्या फट जाएगा? क्या नहीं फटेगा, हार्ड है, काफी स्टिफ होता है ये। तो ये किसकी वजह से हो पाता है बेटा? तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई ऐसा टिश्यू है बेटा जो इसको हार्ड बना देता है, जो इसको स्टिफ कर देता है, और वो है बेटा स्क्लेरेन काइमा। वो है स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट को काफी हार्ड बना देता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट। कोकोनट का आपने हस्क देखा है, जैसे कोकोनट हुआ, कोकोनट के बाहर का जो आउटर पार्ट होता है वो कितना हार्ड होता है, आपने देखा होगा कितना हार्ड होता है। अगर आप उसको पंच करोगे तो वो तो उसको तो कुछ नहीं होगा, आप ही का जो हाथ है ना वो टूट जाएगा। तो ये किससे बना हुआ है बेटा? ये बना हुआ है स्क्लेरेन काइमा टिश्यू से, मतलब कि इसके अंदर एक टिश्यू है जिसको हम बोल सकते हैं स्क्लेरेन काइमा, ये उससे बना हुआ है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन काइमेटिस टिश्यू, मतलब स्क्लेरेन काइमा को स्क्लेरेन काइमेटिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, एक ही बात है। तो ये बना हुआ है स्क्लेरेन काइमेटिस टिश्यू से। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। अब इसके अंदर जो टिश्यू होते हैं ना बेटा, जो सॉरी जिसमें जो सेल होते हैं ना वो डेड होते हैं, यानी कि मरे हुए होते हैं। अब ये आपको याद रखना है, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के अंदर लिविंग थे, फिर हमने पढ़ा कॉलेन्काइमा, कॉलेन्काइमा के अंदर भी लिविंग थे, अब हम पढ़ रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा। ये इसके जो है ना डेड है बेटा, मरे हुए सेल्स हैं, ये याद रखना है आपको। कह रहे दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन। ये लॉन्ग और नैरो होते हैं और इनकी वॉल जो होती है ना वो थिक होती है, थिक यानी कि मोटी होती है। मोटी क्यों होती है बेटा? क्योंकि ये बनी होती है लिग्निन से। लिग्निन क्या होता है बेटा? लिग्निन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सीमेंट के अंदर पाया जाता है। सीमेंट होता है ना सीमेंट, अब सीमेंट आपने देखा होगा कि सीमेंट के अंदर जैसे आप पानी मिलाते हो तो वो कितना हार्ड हो जाता है। जैसे आपके घरों की जो वॉल्स है वो किससे बनी हुई है? ब्रिक से तो बनी हुई है, ईटू से तो बनी हुई है, लेकिन उनको हार्ड करने के लिए उस पर सीमेंट का प्लास्टर भी हुआ हुआ है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये जो सीमेंट है ना इसके अंदर लिग्निन नाम का सब्सटेंस होता है जो सीमेंट को हार्ड कर देता है पानी के साथ मिक्स करके। तो यही जो लिग्निन है ना ये आपको कहां मिलेगा, इस स्क्लेरेन काइमा टिश्यू के अंदर भी मिलेगा, जिसकी वजह से ये क्या होता है बेटा, इसको हार्ड कर देता है, किसी भी प्लांट को या उसकी वॉल को थिक कर देता है, उसको हार्ड कर देता है। ठीक है, ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस इनसाइड द सेल। वो कह रहे जल्दी जो ये वॉल होती है ना इसकी, ये इतनी ज्यादा थिक होती है कि अंदर से ये हॉलो होती है, अंदर से ये खोखली होती है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये इतनी ज्यादा थिक होती है बेटा कि अंदर से कोई भी इंटरनल स्पेस नहीं छूटता। मतलब कहने का ये मतलब है कि अंदर से कोई भी स्पेस नहीं रहता, एकदम ये हार्ड होती है, अंदर से भी पूरी की पूरी भरी हुई होती है। ठीक है, यानी कि जैसे एक फुटबॉल ले लो, फुटबॉल बाहर से देखो कितनी हार्ड होती है, लेकिन जैसे आप उसको फाड़ दोगे तो अंदर कुछ नहीं है, अंदर खाली है वो। तो इसी तरीके से इसमें ऐसा नहीं होता, इसके अंदर अगर आप इसको फाड़ोगे तो अंदर से भी ये भरी हुई होगी पूरी की पूरी, कोई अंदर स्पेस नहीं होता खाली, पूरी तरीके से भरी हुई होती है अंदर से। फिर कह रहा है दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स, ये आपको स्टेम में देखने को मिलेगा, अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, मतलब ये आपको स्टेम्स में देखने को मिलेगा, वेस्कुलर बंडल्स में देखने को मिलेगा। ये वेस्कुलर बंडल क्या होता है बेटा? ये वेस्कुलर बंडल होता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो ये आपको जाइलम और फ्लोएम टिश्यू में भी देखने को मिलेगा, ये आपको लीव्स की वेन्स में भी देखने को मिलेगा, या सीड्स और नट्स की जो हार्ड कवरिंग होती है ना, जो सीड्स और नट्स होते हैं, जैसे कि बेसिकली कोई भी नट ले लो आप, तो उसका जो बाहर की कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है, तो ये उसमें भी देखने को मिलेगा आपको। मतलब ये हार्डनेस जो है ये स्क्लेरेन काइमा ही उसको प्रोवाइड करा के दे रहा है, और ये प्लांट्स को बेटा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराते हैं। देन बेटा आगे कह रहे हैं व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल कॉल्ड एपिडर्मिस। तो ऊपर यहाँ पे एक एक्टिविटी थी जिसको अगर हम नहीं भी रीड करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे जस्ट आपको अब एपिडर्मिस के बारे में बातें बताने की कोशिश करेगा। कह रहे हैं कि अगर आप किसी सेल की
आउटर मोस्ट लेयर देखोगे, जैसे कि मान लो ये लीफ है, लीफ के अंदर आपको पता है बड़े सारे सेल होते हैं, तो इस सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी ना, जो सबसे बाहर की लेयर होगी, जो आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहर की लेयर होगी, उसी को हम बोलते हैं यहां पे एपिडर्मिस। ठीक है, अगेन क्या बता रहे हैं बेटा, क्या बता रहा है वो बेटा यहाँ पे एपिडर्मिस के बारे में बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी आउटर मोस्ट लेयर होती है ना बेटा किसी भी सेल की, तो उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, आगे देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कह रहे द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये एपिडर्मिस किससे बना होता है बेटा, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है, यानी कि इसमें सेल की सिंगल लेयर होती है। ऐसे जैसे ये सेल है बेटा, तो देखो इसकी सिंगल लेयर चल रही है, ये एपिडर्मिस होती है। अगर इसके नीचे एक और ऐसे लेयर आ जाए ना, तो फिर वो टू लेयर्स हो जाएंगी, दो लेयर हो जाएंगी, बट ऐसा नीचे कुछ आता नहीं है। सिर्फ कितनी लेयर होती है बेटा, एक ही लेयर होती है इसकी एपिडर्मिस की। देखो इसको डायग्राम से समझाता हूं मैं, हमारे पास यहां पे डायग्राम दे रखा है, ये देखो ये आपके पास डायग्राम है। सो ये जो ब्राउन कलर की लेयर है ना, ये ब्राउन कलर की लेयर, ये आपकी एपिडर्मिस है। अब आप खुद देखो बेटा, ये सिंगल लेयर है, देखो ये सिंगल लेयर चलती जा रही है, इसके नीचे कुछ और है, इसके नीचे कुछ और है बेटा। तो एक्चुअल में क्या है, ये सिंगल लेयर है जो एपिडर्मिस की आपको नजर आ रही है। तो सबसे जो बाहर का पार्ट है ना, ये कुछ और है, जो सबसे बाहर का पार्ट है ना बेटा, वो आपको यहां पे बता रहा है एपिडर्मिस। ठीक है, चलते हैं वापस आगे। अब इसमें क्या बोल रहे हैं आगे, कह रहे इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स द एपिडर्मिस मे बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। अब ये बातें आपको बेटा बहुत ही अच्छे से समझनी है और ध्यान रखनी है। कह रहे हैं कि जिन एरियाज में बेटा, या जो एरियाज बेटा ड्राई होते हैं ना, या फिर आप उसको बोलो कि ड्राई हैबिटेट्स, यानी कि ऐसे एरिया जहां पे पानी की शॉर्टेज होती है, पानी की कमी होती है, वहां पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं ना बेटा, उनके जो एपिडर्मिस होते हैं ना, यानी कि जो उनका आउटर पार्ट होता है, वो काफी थिक होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको। आपने सुना होगा बेटा कि जो ड्राई हैबिटेट है वो जनरली कौन सा होता है बेटा, वो जनरली होता है रेगिस्तान, जिसको हम क्या बोलते हैं डेजर्ट। डेजर्ट बोलते हैं ना, जो रेतीला इलाका होता है जहां पे पूरी की पूरी रेत होती है, तो वहां पे पानी की बेटा बहुत कमी होती है। तो वहां पे कौन से प्लांट उगते हैं, जनरली वहां पे कैक्टस उगता है, या जो जो स्पाइन वाले प्लांट होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, वो वाले प्लांट वहां पे उगते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कैक्टस वहां पे ग्रो कर रहे हैं। अब आपने अगर कैक्टस को कभी देखा हो, तो कैक्टस का जो बाहर की पार्ट होता है ना, वो काफी थिक होता है, काफी मोटा होता है, जबकि जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं ना, उनकी अगर आप लीफ देखोगे तो बहुत ही पतली पतली होती है, जबकि कैक्टस की अगर आप लीफ देखोगे तो बहुत ही ज्यादा थिक होती है। तो ये जो थिकनेस है, ये एपिडर्मिस तो है वो जो थिक है। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको बेटा पता हो कि जो प्लांट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने अंदर जो पानी होता है ना, वो उस पानी को लूज कर लेते हैं। कैसे लूज कर लेते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर जो पानी, प्लांट की जो लीव्स होती है बेटा, लीव्स क्या करती है, आपने कभी बारी प्लांट की लीव्स के ऊपर पानी की ड्रॉप्स देखी होंगी, कभी आपने देखा कि लीव्स के ऊपर पानी की बूंदें पड़ी होती हैं, पानी की ड्रॉप्स होती हैं। तो ये ड्रॉप्स जो हैं, ये क्या होती है, ये प्लांट का एक्सेस वाटर होता है जो प्लांट में से बाहर आ जाता है। ये प्लांट का बेटा एक्सेस वाटर होता है जो लीव से बाहर आ जाता है। अब ये जब बाहर आ जाएगा ना, तो ये इवेपोरेट कर जाएगा, यानी कि ये हवा में उड़ जाएगा, गैस बनके, वेपर्स बनके, तो इससे होगा क्या कि पानी लूज हो जाएगा। अब इसको ड्राई रीजन से समझते हैं, या डेजर्ट वाले रीजन से समझते हैं। अब देखो आपको पता है कि ड्राई रीजन जो होता है, यानी कि जो डेजर्ट वाला एरिया होता है, वहां पे तो वैसे पानी नहीं है। अगर वहां पे वैसे पानी नहीं है और प्लांट भी अपना पानी लूज करने लग जाए, तो वो प्लांट तो बेचारा बहुत ही जल्दी मर जाएगा, क्योंकि उसको तो पानी मिलने वाला है नहीं इतना इजीली। तो जब उसको पानी मिलने नहीं वाला और वो पानी इजीली अपना लूज भी करता जा रहा है, तो फिर तो वो मर जाएगा। तो इसलिए यहां पे क्या होता है बेटा, कि जो ड्राई रीजन होते हैं ना, उनके जो एपिडर्मिस होते हैं ना, वो काफी ज्यादा थिक होते हैं। थिक इसलिए होते हैं ताकि पानी बाहर ना आ सके लीव से, और वो इवेपोरेट ना कर सके, वो पानी अंदर ही पड़ा रहे, और जब भी प्लांट को जरूरत हो तो वो अपना खाना बना ले पानी की मदद से, क्योंकि पानी तो यहां पर इसको ईजिली मिलने नहीं वाला। तो ये रीजन होता है एपिडर्मिस का थिक होने का ड्राई रीजन में। आगे क्या बोल रहा है, द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। पूरा का पूरा जो प्लांट होता है ना, वो एपिडर्मिस से कवर होता है, यानी कि पूरे पूरे प्लांट में आउटर पार्ट होता है जो एपिडर्मिस होता है। इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये क्या करते हैं बेटा, ये एपिडर्मिस का जो काम है, ये प्लांट के पूरे सभी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना होता है आउटर पार्ट से, यानी कि आउटर एनवायरमेंट से।
एपिडर्मिस सेल ऑन द एरियल, एरियल का मतलब है हवा, एपिडर्मिस सेल ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सेक्रीट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सर्फेस। कह रहे कि जो प्लांट का आउटरी पार्ट होता है ना, सॉरी प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है, एरियल मतलब हवा वाला, जो हवा में पार्ट होता है, हवा में क्या होता है, लीव्स वगैरह, तो कह रहे ये लीव्स ना जनरली कुछ वैक्स टाइप का सब्सटेंस जो है ना वो आउटर पार्ट पे रिलीज करती रहती है, आउटर पार्ट पे रिलीज करती रहती है ताकि कोई भी बाहर की चीज ना इन प्लांट्स को डिस्टर्ब ना कर सके, ताकि कोई भी बाहर से कोई भी चीज ऐसी ना आ सके, जैसे कोई कीड़े वगैरह लगना, कोई पेस्ट वेस्ट लगना, वो इन प्लांट्स में ना लग सके। इसलिए प्लांट्स का जो एरियल पार्ट होता है, एरियल मतलब जो हवा में रहता है, हवा में क्या रहते हैं, हवा में जनरली रहते हैं लीव्स वगैरह, तो लीव्स में से कुछ ना कुछ वैक्सी, कुछ ना कुछ चिपचिपा सा सब्सटेंस जो ना बाहर आता रहता है, जो कि इस प्लांट को क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है। दिस एड्स, अब ये किस चीज से बचाता है, तो देखो इसको याद रख, इसको यहां पे रीड करना है, कह रहा है दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। ये जो चीज है ये क्या करती है, प्लांट्स को ज्यादा पानी लूज नहीं करने देती, मैकेनिकल इंजरी नहीं करने देती है, और इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगाई, कोई भी पैरासिटिक फंगाई यानी कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के ऊपर अटैक ना कर दे, तो उससे भी ये इसको बचाती है। सिंस इट हैज अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। अब क्योंकि बेटा इसका काम जो है ना वो प्रोटेक्शन का है, तो जनरली इनके जो सेल्स होते हैं ना इनमें कोई भी स्पेस नहीं होता। क्या बोल रहे हैं, रिपीट कर रहा हूं, कह रहे क्योंकि इनका काम जो है बेटा प्रोटेक्टिव लेयर का है, प्रोटेक्शन करने का है, तो इसलिए इनके सेल्स के अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, ज्यादातर जितने भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं ना ये फ्लैट होते हैं बेटा, फ्लैट इस तरीके से, फ्लैट सर्कल में नहीं होते, ये फ्लैट होते हैं, फ्लैट इस तरीके से। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। अब इनकी जो वॉल होती है ना बेटा, जो एपिडर्मिस की वॉल होती है वो एजेस से या साइड से तो बहुत थिक होती है, जबकि इनर वॉल जो होती है ना अंदर से वो काफी थिन होती है। ठीक है, तो ये आपको यहां पे बता रहे हैं एपिडर्मिस के बारे में। देन यहां पे बेटा बता रहे हैं वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। कह रहा है अगर हम एक लीफ की बात करें बेटा, तो लीफ का जो एपिडर्मिस होता है ना, यानी कि जो आउटर पार्ट होता है, वहां पे आपको छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं बेटा, स्मॉल पोर्स यानी कि छोटे छोटे छेद देखने को मिलते हैं। अब ये आपको रियलिटी में देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब रियलिटी इन द सेंस कि अगर आप अपनी नेकेड आई से देखने की कोशिश करोगे तो शायद आपको ये देखने को ना मिले। ठीक है, अगर आपको उसको देखना है तो आपको माइक्रोस्कोपिक मतलब या माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, तभी जो है ना आप इसको इजिली देख पाओगे, अदरवाइज आपको ये चीज जो है सही से विजिबल नहीं होगी। अभी जो स्मॉल पोर्स यहाँ पे है इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो छोटे छोटे पोर्स आपको नजर आएंगे ना लीव्स पे, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब इसका काम क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा बेटा कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो लीव्स है इसके ऊपर पानी की ड्रॉप्स आ जाती है, ये पानी की ड्रॉप्स कहां से आती है, तो ये जो स्टोमेटा है ना लीव के अंदर, ये लीव ये स्टोमेटा के अंदर जो पोर्स है यहीं से जो पानी है ना बेटा प्लांट का, वो लीव के ऊपर आने लग जाता है, और लीफ के ऊपर आके आपको लीफ के ऊपर ये ड्रॉप्स नजर आ जाती हैं, तो ये स्टोमेटा का ही काम है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बात करूं, आपने सोचा होगा बेटा, कभी देखा होगा कि जो गैसेस है बेटा वो भी एक्सचेंज होती हैं, जैसे ये जनरली ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करती हैं, तो ये जो गैसेज इनटेक हो रही है ये भी कौन कर रहा है, ये भी स्टोमेटा ही कर रहा है। तो इसका मतलब स्टोमेटा के दो काम हो गए यहाँ पे, एक तो ये वाटर को ट्रांसपिरेट करती है और दूसरा गैसेज को भी क्या करती है बेटा, कंट्रोल करती है कि कौन सी गैस अंदर आएगी कौन सी बाहर जाएगी, ये इसका काम स्टोमेटा का ये भी होता है। अब ये स्टोमेटा का को कंट्रोल कौन करता है, तो ध्यान से देखो, मान लो बेटा ये स्टोमेटा है तो इसके अंदर दो गार्ड सेल होते हैं बेटा, किडनी की तरह, किडनी या जो किडनी बीन्स कह सकते हो आप, जो जैसे राजमा नहीं होता, राजमा जो आप खाते होगे उसको किडनी बीन्स बोलते हैं, तो इसकी तरह यहाँ पे दो किडनी बीन्स की तरह सेल होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, और उसका नाम होता है बेटा गार्ड सेल। उनका नाम क्या होता है बेटा, गार्ड सेल्स। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। अब ये जो स्टोमेटा है बेटा ये किससे इनक्लोज्ड होता है, किससे, क्या इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो इसमें आपको दो किडनी शेप जो है ना सेल देखने को मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमोसफेयर। एक्चुअल में ये स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल है ना यही रेगुलेट कर रहे हैं कि कौन सी गैसेस एक्सचेंज हो कब। सो बेटा ये यहाँ पे आपको कह रहे कि जो ये गार्ड सेल है ना, ये गार्ड सेल का ही काम है बेटा कि गैसेस को एक्सचेंज करेगा।
ठीक है, ये इसको कंट्रोल करेगा स्टोमेटा के अंदर। इसी तरीके से ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है बेटा कि जो वाटर होता है ना प्लांट्स का, वो वेपर बन के इवेपोरेट हो जाता है। ये भी किसके थ्रू होगा बेटा, ये भी स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल है ना इन्हीं के थ्रू होगा। सो गार्ड सेल का यहाँ पे काम क्या है बेटा, गार्ड सेल का काम ये है कि चाहे गैस को एक्सचेंज करना हो जाए या वाटर को रेगुलेट करना हो जाए, दोनों काम कौन करेगा, स्टोमेटा के अंदर ये गार्ड सेल ही करेंगे। ठीक है, ये जो बीन्स होते हैं ना, ये जो बीन शेप होती है गार्ड सेल की, ये क्या करती है, ये रिलैक्स हो जाती है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सुकुड़ जाना, मतलब कि श्रिंक हो जाना। अगर ये श्रिंक हो जाएगी तो फिर इसका मतलब ये जो गैप है ना अंदर का, जो ये गैप अभी मैं आपको कलर करूंगा, ये गैप खुल जाएगा। और अगर ये गैप खुल जाएगा तो फिर गैसेस या वाटर जो है ना यहां से एक्सचेंज हो जाएगा। और अगर ये रिलैक्स हो जाएगी तो फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये एक्सपैंड हो जाएगा, मतलब जो ये शेप है ना ये एक्सपैंड हो जाएगी। और एक्सपैंड होने की वजह से ये जो अंदर का गैप है ये बंद हो जाएगा, और अंदर का गैप बंद हो जाएगा तो फिर ये किसी भी चीज को अंदर या बाहर नहीं आने देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे गार्ड सेल काम करते हैं। तो ऊपर हम डायग्राम देखते हैं इसका बेटा, तो देखो ये रहा, ये आपके लीव्स के अंदर स्टोमेटा है, ये देखो ये स्टोमेटा है जिसके अंदर गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल आपको नजर आ रहा है बीन्स की तरह। और देखो इनके बीच में गैप है, अगर आप ध्यान से देखो ना, ये रहा इनके बीच में गैप, ये जिसको मैं कलर करूं ऐसे, तो कलर दूसरा ले देता हूं, ये रहा देखो ये गैप है। तो अब ये गैप कैसे खुलता है या बंद होता है गैप, ये डिपेंड करता है गार्ड सेल के ऊपर। अगर गार्ड सेल श्रिंक हो गए तो गैप खुल जाएगा और चीजें अंदर या बाहर जाने लग जाएंगी। और अगर गार्ड सेल स्वेल हो गए बेटा, फूल गए, एक्सपैंड हो गए, तो फिर ये गैप कम हो जाएगा और चीजें फिर अंदर या बाहर नहीं जाएंगी। तो ये पोर्स बेटा आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं बेटा, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्शन सर्फेस एरिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बेटा रूट्स के एपिडर्मल सेल की बात कर रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बेटा पीछे पढ़ा था कि जो एपिडर्मल सेल होते हैं ना या एपिडर्मिस होते हैं, ये प्लांट के पूरी पार्ट पे, मतलब प्लांट के हर एक पार्ट पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हर एक पार्ट की बात करें तो प्लांट का अपर पार्ट तो होता ही है, बट रूट्स भी तो होती है इसकी, लोअर पार्ट भी तो होता है जो सॉइल के नीचे होता है, तो वो भी तो इसका पार्ट ही है। तो क्या उसकी भी, उसमें भी एपिडर्मिस होती है? तो यस, क्यों नहीं होती बेटा, आउटर पार्ट जो होता है वो एपिडर्मिस तो होता है, तो रूट्स की भी बेटा एपिडर्मिस होती है। और वो कह रहे कि ये एपिडर्मिस सेल का फंक्शन क्या होता है रूट्स के अंदर, वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो इससे अब आप समझ लो बेटा कि जो रूट्स के अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन होता है ना, आपको पता है ना कि रूट्स ही पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। ये चीज तो आपको पता होगा बेटा, छोटी क्लासेस से सीख के आ रहे हो कि प्लांट्स के अंदर पानी आता कहाँ से, इन रूट्स से आता है बेटा, जो सॉइल के नीचे होती है, ठीक है, सॉइल के साथ नीचे होती है, उनमें से आता है। तो अब उनमें से भी कौन हेल्प करता है बेटा, ये एपिडर्मिस सेल ही जो है ये फंक्शन परफॉर्म करता है वाटर को एब्जॉर्ब करने का। और जनरली ये जो रूट्स होती है काफी बड़ी बड़ी होती है। बड़ी बड़ी क्यों होती है, क्योंकि जितनी बड़ी होंगी ना उतना ज्यादा एरिया बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा एरिया बढ़ जाएगा ये उतना ही ज्यादा पानी को क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसको आप इस तरीके से लगा लो कि एक छोटी सी बॉटल है, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो छोटी बॉटल है तो उसका वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो वो कम पानी स्टोर करेगी। लेकिन यही चीज अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूं तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फिर ये ज्यादा पानी को स्टोर कर लेगी। तो यही तो यहाँ पे बता रहे हैं कि रूट्स का जो साइज होता है बेटा वो थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होने की वजह से उसमें एरिया ज्यादा आ जाता है, एरिया ज्यादा होने से उसमें ज्यादा पानी वो एब्जॉर्प्शन कर पाएगी। तो ये चीज आपको एक यहाँ पे बता रहे हैं। कह रहे इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट, अब यहाँ पे कुछ डेजर्ट प्लांट की बात कर रहे हैं, एपिडर्मिस हैज अ थिक वॉल, थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन ऑन इट्स आउटर सर्फेस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं ना, जैसे डेजर्ट प्लांट होते हैं, उनकी जो एपिडर्मिस होते हैं उनकी वैक्सी कोटिंग होती है, मतलब कि कुछ चिपचिपी सी, जो भी हमने पीछे भी पढ़ी थी। तो वो किसकी होती है, उसका नाम तो उसने बताया नहीं था, तो देखो उसका नाम यहाँ पे उसने बता दिया क्यूटिन। ये नाम अब आपको याद रखना बेटा, वो जो वैक्स होती है ना उस वैक्स का नाम क्या होता है, क्यूटिन। ठीक है, जो प्लांट के अंदर आपको मिलेगी स्पेशली डेजर्ट प्लांट के अंदर, वो कह रहे हैं कि आपको पता है कि वो क्यों होती है। तो यस, अभी हम पीछे तो पढ़ के आए हैं कि वो इसलिए होती है ताकि वो वाटर को क्या करे, वाटर को लूज होने से प्रिवेंट करे, यानी कि बचा ले। अभी तो जस्ट हम पीछे वाले पेज पे पढ़ के आए हैं इसके बारे में, ठीक है, बस उसने वहां पे स्पेसिफाई नहीं करा था कि वो वैक्सी कोटिंग किस चीज की होती है। तो वो वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिन की। ये नाम बेटा आपको याद रखना है। और उसका कारण क्या होने का, तो उसका कारण है ताकि वो वाटर को लूज होने से बचा ले। सो ये हमारे पास एक और पॉइंट आ गया। और अगला क्या कह रहे बेटा, कह रहे इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम। कह रहा है कि अगर एक यंग स्टेम है,
यंग स्टेम मतलब एक एक ऐसा प्लांट जो अभी कुछ एक दो साल पहले हमने उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है, तो उसकी स्टेम का जो आउटर पार्ट होगा और एक एक ऐसा प्लांट जो कि मैच्योर हो चुका है, जो कि ओल्ड हो चुका है, उसका स्टेम का आउटर पार्ट, क्या ये दोनों सेम होंगे या अलग होंगे? तो आंसर है बेटा डिफरेंट होंगे, आंसर है डिफरेंट होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक एक यंग स्टेम होती है ना बेटा, एक यंग स्टेम होती है उसमें मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं, उसमें मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं, मतलब कि ऐसे टिश्यू जो प्लांट को ग्रो करते हैं। जबकि जब वो एक ओल्ड प्लांट बन जाता है, यानी कि जब एक वो बूढ़ा प्लांट बन जाता है, तो फिर वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है ना परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं, क्योंकि फिर उनकी ग्रोथ नहीं होती, फिर ट्री की ग्रोथ मतलब ये स्टेम वाले पार्ट से नहीं होती। अब क्योंकि उसकी ग्रोथ रुक चुकी है तो फिर वो किस में बदल जाएगा बेटा? फिर वो बदल जाएगा परमानेंट टिश्यू के अंदर। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि एक यंग स्टेम की जो यंग जो स्टेम होती है और एक जो पुराने प्लांट की जो ओल्ड स्टेम होती है, क्या वो सेम होती है? क्या उनकी जो जो उनका जो आउटर लेयर होती है वो सेम होती है? तो आंसर है नो बेटा, नो। आउटर लेयर जो है सेम नहीं होती, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि पहले वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होती है उसमें, क्योंकि वो ग्रो कर रही होती है, और फिर बाद में वो परमानेंट टिश्यू में बदल जाती है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको रीड करते हैं। कह रहे हैं एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट बेटा बूढ़ा होता जाएगा, द आउटर प्रोटेक्शन टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। तो जो बाहर की लेयरिंग है ना बेटा, जो प्रोटेक्शन कर रही है, उसमें चेंजेस आते रहेंगे। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर ऑफ सेल विच कंस्टिट्यूट द कॉर्प। तो कह रहे कि अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो पहले मेरिस्टमेटिक लोकेटेड थे वो अब वो बदल जाएंगे बेटा कॉर्प के अंदर, कॉर्प सेल के अंदर। देखो ये कॉर्प सेल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, आपने सुना होगा बेटा जो प्लांट्स की जो ये बाग होती है उसमें आपको क्या मिलता है बेटा, कॉर्क मिलता है। तो ये कब बेटा फाउंड होगा, जब वो प्लांट ग्रो होने लग जाएगा, जब वो प्लांट मैच्योर हो जाएगा, जब वो प्लांट के अंदर परमानेंट टिश्यू आ जाएंगे, तो वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू किस में बदल जाएंगे बेटा, परमानेंट टिश्यू में बदल जाएंगे, यानी कि कॉर्क की फॉर्म ले लेंगे। देखो ये रहा कॉर्क सेल, ये रहा, ठीक है, जो आपको आपके उसके अंदर मिलेगा बाग के अंदर। फिर कह रहे हैं सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। अब कह रहे हैं कि जो कॉर्क सेल होते हैं ना, ये कैसे सेल होते हैं, ये डेड सेल होते हैं, ये ऐसे सेल होते हैं जो मर चुके होते हैं, और ये इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को नहीं मिलता। दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सेबरिन इन देयर वॉल्स दैट मेक देम इम्परवेरियस टू गैसेज एंड वॉटर। और कह रहे हैं इन कॉर्क सेल के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है सेबेरियम। ये आपको नाम बेटा याद रखना है, सबेरियन नाम आपको याद रखना है। अब ये करता क्या है, ये इनके अंदर गैस और वाटर को एक्सचेंज नहीं होने देता। इसलिए कभी आपने सुना है कि जो ये बाग होती है जनरली इससे कोई गैस या वाटर जो है ना एक्सचेंज नहीं होता। वाटर जनरली एक्सचेंज होता है रूट से और गैसेज एक्सचेंज होती है लीव से, इनसे नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर एक सेबेरियन नाम का सब्सटेंस होता है जो बेटा इनको इसके अंदर वाटर और गैस को एक्सचेंज होने नहीं देता।